नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर से एक और शॉकिंग इविक्शन हुआ। एक और कंटेस्टेंट शो से बाहर निकल चुका है मायशा अय्यर के बाद, और उनका नाम है ईशान सहगल। जी हाँ, दोनों लव बर्ड एक ही हफ्ते शो से बाहर निकल चुके हैं। मायशा अय्यर का इविक्शन इंटरव्यू हमने आपको बताया था, अब ईशान सहगल का इविक्शन इंटरव्यू आज हम आपको बताएंगे। ईशान सहगल किस तरह से शो से बाहर निकलते ही उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, और कौन कौन सी बातें उन्होंने कही। तेजन के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें उन्होंने कही। चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि जैसे ही ईशान सहगल का इविक्शन हुआ, इविक्ट हुए, और वैसे ही वो शो को छोड़कर जैसे ही वो बाहर निकले, तब हमारे न्यूज चैनल ने उनसे इंटरव्यू लेना चाहा, और हमारे न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें से एक खुलासा तो ये था कि उन्हें लगता है कि उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया। जी हाँ, उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया। और साथ ही साथ जब हमने उनसे ये पूछना चाहा कि आपकी और मायशा अय्यर की जो दोस्ती थी, जो प्यार था, जो लव था, वो क्या बिग बॉस सीजन 15 के घर के बाहर भी आप इसको मेंटेन करना चाहोगे, इस पर जो है उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया। जी हाँ, कोई भी कमेंट नहीं किया। और साथ ही साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि घर के अंदर कौन रियल है, कौन फेक है, और कौन अपनी रियल गेम को दिखा रहा है, तब उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रकाश जो है पूरी तरह से फेक है। तेजस्वी प्रकाश पूरी तरह से फेक कर रही है बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर। वो दल बदलू है, वो कभी इधर तो कभी उधर। मैं यहाँ पर मेरे को जितना भी लोगों ने बताया, जितना भी मैंने जाना, वो पूरी तरह से उसे देखकर तो मुझे पूरी तरह से तेजस्वी प्रकाश फेक लगती है। और करण कुंद्रा जो है पूरी तरह से फट्टू है। करण कुंद्रा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे खेलें, कैसे नहीं खेलें। वो तेजस्वी प्रकाश का पूरी तरह से चुनरी पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि तेजन की जोड़ी जो है पूरी तरह से फेक है। करण कुंद्रा को सिर्फ और सिर्फ रोना आता है, रोकर वो वोट्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपति गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं उन्होंने कहा ईशान सहगल ने। साथ ही साथ जब हमने ईशान सहगल से जानना चाहा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो कंटेस्टेंट है जो कि शो का विनर बन सकता है, तब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया दोस्तों। तब उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई कंटेस्टेंट ही नहीं है जो कि शो का विनर बन सकता है। मैं और मायशा अय्यर जो है पूरी तरह से रियल थे। हम में से ही कोई अगर विनर बनता तो बहुत अच्छा होता, बाकी सब तो फेक कर रहे हैं वहां पर, ऐसी बातें कहते हुए नजर आए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं।